आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत समझाते हैं कि हम ये जब तय नहीं कर पाते कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी है, अपने मस्तिष्क में अपने मन में हमने किन चीज़ों को रखना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, वे लोग हमेशा दुख में रहते हैं। लेकिन वे लोग जो ये समझ जाते हैं कि किन चीज़ों को अपने मन में रखना चाहिए, किन बातों को अपने मन में स्थान देना चाहिए और किन बातों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, ये जानते हुए जिन बातों को मन में स्थान देना चाहिए उन्हें ही जो मन में स्थान देता है और जिन्हें मन में स्थान नहीं देना चाहिए उन चीज़ों को मन में स्थान नहीं देता है, वो ये दुख है इसे भली प्रकार जान लेता है। वही व्यक्ति ये जानता है और अच्छी तरह से जानता है कि ये दुख है, क्योंकि बार बार जो चीज़ें घटित होती हैं और उनसे दुख उत्पन्न होता है तो इसका पता तो चल ही जाता है। लेकिन बावजूद इसके हम उन्हीं चीज़ों को बार बार करते हैं और फिर दुख से बड़े आहत होते हैं, उस पर आक्षेप धरते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकल आना ये दुख का समुदाय है, इसको वो भली प्रकार जान लेता है या इन चीज़ों से, इन कारणों से ये दुख उत्पन्न होता है और फिर इस दुख को रोकने का मार्ग, इस दुख का निरोध ये है, ये भी वो जान लेता है। और इस निरोध की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग को भी वो जान लेता है और उसको अपने हृदय में बसा लेता है। वही वास्तव में समय दृष्टि की ओर जाता है, यानी कि सदाचरण की ओर जाता है। लिखा गया है कि इन्हें इस तरह हृदयंगम करने वालों के तीन बंधन कट जाते हैं। वो बंधन, वो हमने देखे थे कि दृष्टि के जो छह दोष है उनमें से तीन बंधन जो है वो कट जाते हैं, वो है सत्काय दृष्टि, चिकित्सा, शील व्रत परामर्श। जिनके भिक्षुओं ये तीन बंधन कट गए वे सभी स्त्रोतात्पन्न हो गए। जिनके ये बंधन कट जाते हैं, जो चीज़ों को ठीक तरीके से समझने लगते हैं उनके ये तीन बंधन कट जाते हैं और वे स्त्रोतात्पन्न हो जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, उनका पतन असंभव हो जाता है और उनको उनकी जो संबुद्धि की प्राप्ति है वो भी निश्चित हो जाती है, यानी कि वे निर्वाण की ओर जाने का उनका मार्ग जो है वो खुल जाता है, यानी कि दुखों से मुक्ति की ओर का जो जीवन है, दुखों से मुक्ति का जो जीवन है उस जीवन की ओर जाने का उनका जो मार्ग है वो मार्ग खुल जाता है। अब देखिए कि सच संघों में आगे एक बात और लिखी है कि पृथ्वी के एक छत्र राज्य से स्वर्गलोक को जाने से समस्त विश्व के अधिपत्य से भी बढ़कर होता है स्त्रोतात्पत्ति फल। जो पारंपरिक मान्यताओं में जिन चीज़ों को बड़ा उच्चतम मार्ग कहा जाता है, लोग जो कहते हैं कि भाई स्वर्ग की ओर जाना है, वो तो है नहीं कहीं, लेकिन उधर जाने की जो बात कही जाती है उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण और उन सबसे बढ़कर तथागत कहते हैं स्त्रोतात्पन्न हो जाना, बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि दुख उनके जीवन में किन कारणों से उत्पन्न हो रहा है और जिन कारणों से ये दुख उत्पन्न हो रहा है उन कारणों का निरोध क्या है और फिर उस निरोध की ओर ले जाने का जो मार्ग है उस मार्ग पर वे चलने लगे तो बस ये स्त्रोतात्पन्न हो जाते हैं और ये सबसे बेहतर मार्ग है, सबसे बेहतर स्थिति है। अब देखिए कि तथागत आगे कहते हैं, यदि कोई पूछे कि भगवान किस दृष्टि के हैं, सामान्य सा सवाल है, कोई भी पूछ सकता है कि भाई भगवान की दृष्टि क्या है, मतलब तथागत की दृष्टि क्या है, तो उसे क्या उत्तर दोगे? तथागत पूछ रहे हैं कि भाई तथागत की दृष्टि क्या है, भगवान की दृष्टि क्या है, वे किस दृष्टि के हैं? ऐसी बात नहीं रही है भिक्षुओं,
तथागत ने यह सब देख लिया है। क्या कहते हैं तथागत? कि तथागत ने यह सब देख लिया है कि यह रूप है, यह रूप का समुदाय है, यह रूप का अस्त होना है, और यह वेदना है, यह वेदनाओं का समुदाय है, यह वेदना का अस्त होना है, यह संज्ञा है, संज्ञा यह उसका समुदाय है, यह उसका अस्त होना है, यह संखार है यानी कि संस्कार, यह संखारों का समुदाय है यानी कि उसका उदय होना, यह कहां से आते हैं संखार, और यह संखारों का अस्त होना है, यह विज्ञान है और यह विज्ञान का समुदाय है और यह विज्ञान का अस्त होना है। इसलिए कहता हूं, तथागत कहते हैं, तथागत ने यह सब कुछ जान लिया है और इसलिए वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सभी मानताओं के, सभी अस्तित्वों के, सभी अहंकारों के, सभी मेरे के, ये जो मैं मेरा वाली जो बात है, सभी मेरे के, सभी अभिमानों के नाश से, विराग से, त्याग से, छूट जाने से, उपादान न रहने से तथागत विमुक्त हो गए। तो तथागत इन कारणों से विमुक्त हुए हैं कि उन्होंने इन सब चीज़ों को, चाहे संज्ञा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे वेदना हो, इन सब से वे पार हो चुके हैं। उनका उदय होना, उनका अस्त होना उन्होंने जान लिया है। और जब तथागत ने ये बात जान ली है कि क्या चीज़ें अस्त करता कराती हैं और किन कारणों से इन वेदनाओं का उदय होता है, इन संस्कारों का उदय होता है, इस विज्ञान का उदय होता है, इस संज्ञा का उदय होता है, और फिर इसका अस्त कैसे होता है, ये भी उन्होंने जान लिया है, तो अब इन चीज़ों से वे मुक्त हो गए हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि चाहे तथागत उत्पन्न हो, चाहे उत्पन्न ना हो, ये सदैव यूं ही रहते हैं। सभी संस्कार अनित्य हैं, जैसे रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, और विज्ञान भी अनित्य है। चाहे तथागत उत्पन्न हो, चाहे उत्पन्न ना हो, ये सदैव यों ही रहते हैं। सभी संस्कार दुख है, सभी रूप दुख है, वेदना दुख है, संज्ञा दुख है, संस्कार दुख है, और विज्ञान भी दुख है। और ये बात फिर आगे तथागत कहते हैं कि चाहे तथागत उत्पन्न हो या ना हो, ये सदैव यों ही रहता है। फिर वे कहते हैं कि जैसे विद्वत जनों का कहना है कि रूप नित्य नहीं, ध्रुव नहीं, शाश्वत नहीं, अपरिवर्तनशील नहीं, मैं भी कहता हूं कि नहीं है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य नहीं, ध्रुव नहीं, शाश्वत नहीं, अपरिवर्तनशील नहीं, मैं भी ये कहता हूं, तथागत कहते हैं, मैं भी ये कहता हूं कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आज की बात को यही रोकते हैं कि ये जो संस्कारों की अनित्यता है, इस बात को तथागत ये समझाते हैं कि जब तथागत ने इसको जान लिया तो ये इससे विमुक्त हो गए। और फिर उसके बाद वे भले ही विमुक्त हो गए, फिर तथागत यहाँ रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये विज्ञान, संस्कार, वेदना, संज्ञा ये तो यहाँ पर है ही, और ये जिन जिन के पास है उन सब के पास दुख है। तो जिन जिन को दुखों के इस स्थिति से बाहर निकलना है, उन सबको उसकी उस स्थिति से बाहर निकलना होगा, जो ये जान ले कि विज्ञान, वेदना, संखार यानी कि संस्कार, संज्ञा, ये सब दुख है, और इसके उदय को भी जान ले और इसके अस्त को भी समझ ले, तब वे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज की बात में हमें यहाँ रुकना होगा, रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाएंगे, और इस कड़ी की जो बात छूट गई है वो अगली कड़ी में आगे बढ़ेगी। तो अब हमें इजाज़त दीजिएगा।